Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लौट आया अहिल्या का विश्वास पात्र, अहिल्या का साथी तुकोजी, और खंडेराव से भी भव्य स्वागत हुआ तुकोजी का। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट पे। चलिए बात करते हैं पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो क्लिक दिया गया लाल बटन दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, मैंने दो बातें यहां पे आपके साथ शेयर की है। पहली तो ये कि लौट आया अहिल्या का विश्वास पात्र, अहिल्या का भरोसेमंद साथी तुकोजी भाऊजी, जो बचपन से तुकोजी अहिल्या की हर काम में हर आड़े वक्त पे साथ खड़े दिखाई देते हैं, और इवन के रकमा से भी उन्होंने दो टुक बात कह दी थी, क्योंकि मुझे मल्हार राव होलकर के बाद अगर किसी पे विश्वास है वो अहिल्या के ऊपर विश्वास है। तो अहिल्या, अब आजकल अहिल्या बहुत भारी जो है संघर्ष मुश्किल में जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़ा चैलेंज उनको जो करना है प्रजा की भलाई के लिए, जिसमें कि पहले तो खंडेराव होता था तो गौतमा तो बहुत बाकी सभी लोग जो है पीछे खींचते हैं, और खंडेराव भी आजकल कुछ अहिल्या के खिलाफ हुए हुए हैं। अहिल्या की वो चाहते नहीं, हर बात को काटते हैं। तो यहां पे इस वक्त तुकोजी का आना वापस, तो वो जरूर अहिल्या के लिए एक अच्छी खबर है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि खंडेराव से भव्य स्वागत हुआ, दोस्तों तुकोजी जीत के आए हैं, मिशन फतेह करके आए हैं। खंडेराव भी हालांकि बहुत बड़ा मिशन फतेह करके आए थे, लेकिन यहां पे भैया जय जयकार हो रही है, मल्हार राव हॉल पर गले लगाते हैं, गौतमा बहुत खुश है, द्वारका भी खड़ी है वहां पे खुश है, और रकमा शंखनाद कर रही है, तुकोजी का पूरा सम्मान होता है, जय जयकार होती है। और जो है रकमा को कहा जाता है कि आरती करो रकमा, तो रकमा आरती करती है। रकमा को जो मल्हार राव ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने पति के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि अपने दम पे उसने ये जंग जीती है। तो दोस्तों, फर्क ये सिर्फ ये है कि खंडेराव की बदकिस्मती, खंडेराव ने भी बहुत बड़ा मिशन फतेह किया था, लेकिन उस समय घर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, तो पीछे से जो कि धनाजी वाला, इसके लिए घर में माहौल में एक गहन उदासी थी, कोई भी उतनी खुशी से खंडेराव का स्वागत नहीं हुआ, ऊपर से हुआ, जबकि वहां पे बहुत से लोग मौजूद भी नहीं थे, तो द्वारका भाई वगैरह ये सारी पलटन तो मौजूद ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये जो उस हिसाब से खंडेराव का जो है वैसा भव्य स्वागत नहीं हुआ जो कि अब तुकोजी का हुआ है। अब तुकोजी के आने में के बाद और क्या चीजें करवट लेती है, ऊंट किस करवट बैठता है, तो अहिल्या की किस प्रकार तुकोजी मदद करेंगे, तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।